नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। तो दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट ने अपना बिग बिलियन डे सेल और तो और अमेज़ॉन ने अपना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अनाउंस कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। तो आपको बस आपको वीडियो देखना है पूरा एंड तक और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से स्मार्टफोन्स इस सेल के दौरान ख़रीदने चाहिए, वो भी अगर आपका बजट 10,000 रुपीज़ तक का है। तो दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि ये जो सारे फ़ोन्स मैंने जिस भी नंबर में अरेंज किए हैं, ये मैं अपने पर्सनल जो मैंने रिसर्च किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। और तो और मुझे जो जो स्पेसिफिकेशंस लगते हैं कि इस प्राइस में होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी नंबरिंग की है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नंबर 6 पर आता है हमारा स्मार्टफोन। अब दोस्तों, यहाँ पर 3 स्मार्टफोन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि नंबर 6 पर आते हैं। तो सबसे पहला है रियलमी C12, आप देख सकते हो। दूसरा जो है वो है रियलमी C15 और तो और तीसरा जो स्मार्टफोन है वो है पोको C3। ये 3 स्मार्टफोन हैं जो आप खरीद सकते हो। तीनों में ऑलमोस्ट सेम सी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जैसे कि C12 और C15 में हमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ C12 में 13+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा और तो और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और तो और G35 चिपसेट के साथ में हमें ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। और तो और C15 में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर हमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है रियलमी C15। और तो और अगर हम बात करें पोको C3 के बारे में, तो यहाँ पर भी अगेन 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, हीलियो G35 चिपसेट देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी है और तो और 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और तो और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब रियलमी C12 है वो यूजुअली 9999 में मिलता है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको मिलेगा ये 8999 में अवेलेबल रहता है, लेकिन 1000 आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये मिलेगा आपको 7999 में। और तो और जो रियलमी C15 है दोस्तों, तो वो जनरली 10,000 रुपीज़ की प्राइस पर ये रहता है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको 8499 रुपीज़ में ये मिलेगा। और तो और जो पोको C3 की हम बात करें, तो इसका जो 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 8999 में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर आने वाले स्मार्टफोन की। तो अगेन यहाँ पर भी हमें 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, एक है रियलमी का C3 और तो और दूसरा नार्जो 10A। अब आप सोच रहे हो कि C3 मैंने क्यों कंसिडर किया, तो भाई क्योंकि C12 और C15 तो नए हैं, C3 तो पुराना है, लेकिन फिर भी C3 में हमें हीलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो ज़्यादा पावरफुल है C12 और C15 की कंपैरिजन में, इसलिए ये 5th नंबर पर है। और तो और यहाँ पर 5000mAh की बैटरी दी गई है, 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रंट में 5 मेगापिक्सल और तो और 5000mAh की बैटरी दी गई है और तो और ये 4GB रैम 64GB स्टोरेज 9999 में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें अगर नार्जो 10A की, तो यहाँ पर हमें एक कैमरा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरास के साथ में, 12+2+2 और तो और फ्रंट में सेम 5 मेगापिक्सल और तो और 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये भी सेम प्राइस पर आपको मिल जाएगा 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 9999 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें स्मार्टफोन की जो 4th नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 4th नंबर पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा नार्जो 20A। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है। हाँ, ये है पुराना, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है और तो और काफ़ी कम पावर कंजप्शन के साथ में ये आता है और तो और काफ़ी बैलेंस्ड आउटपुट ये आपको प्रोवाइड करेगा।
साथ ही साथ यहाँ पर 12+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और तो और 1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। और तो और 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। 4GB रैम 64GB वेरिएंट की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 9499 में आपको देखने को मिल जाएगा सेल के दौरान। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग इन्फिनिक्स होट 10 आना चाहिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो अगेन यहाँ पर हमें 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 16+2+2 का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और तो और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। और तो और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है अंडर 10,000 रुपीज़ में जो अपने साथ में 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज लेके आता है। और तो और यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G70 चिपसेट हमें देखने को मिल जाता है। और तो और ये 9999 रुपये में आपको मिल जाएगा सेल के दौरान। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसकी तरफ देख सकते हो ज़रूर से। अब तो दोस्तों दूसरे नंबर पे मोटो का G9 मैंने यहाँ पर पसंद किया है क्योंकि यहाँ पर हमें 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन दोस्तों ये 20 वॉट की टर्बो पावर चार्जिंग अपने साथ में लेके आता है। और तो और ये पहला फ़ोन है अंडर 10,000 रुपीज़ में जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 48+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप है और तो और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और तो और दोस्तों इसकी जो मेन हाइलाइटिंग है मोटो G9 की वो ये है कि ये स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहते हो, अगर आपको पसंद है तो ये काफ़ी अच्छा चॉइस है क्योंकि यहाँ पर हमें क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिल जाता है, क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ बड़ी बैटरी है, उसके साथ 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट है वो यूजुअली 11,500 का मिलता है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको 9,999 रुपये में ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी डील है दोस्तों, अगर आप चाहे तो ये फ़ोन डेफिनेटली देख सकते हो, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पर आने वाले फ़ोन की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है Redmi 9 Prime। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। हाँ, ये अंडर 10,000 वाला पहला और इकलौता स्मार्टफोन है जो फुल HD डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हीलियो G80 चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले भी हमें फुल HD देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 5020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को। और तो और यहाँ पर 13+8+5+2 क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और तो और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और तो और दोस्तों ये 4GB रैम 64GB वेरिएंट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि 9999 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेशंस जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आपका बजट अंडर 10,000 है और आप कोई भी नया स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो। तो अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको जो पहला नंबर वाला है वही लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है क्लीन एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यूज़ करना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मोटो G9 खरीदें क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी डील है। और तो और दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही नहीं है, इन सारे स्मार्टफोन्स की ऊपर आपको अलग से भी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीद रहे हो तो आपको SBI के कार्ड पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और तो और अगर आप अमेज़ोन से ख़रीद रहे हो तो आपको HDFC डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट में आपको पेटीएम का अश्योर्ड कैशबैक भी देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है चारों ही तरफ। अगर आपको कोई भी नया स्मार्टफोन खरीदना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अभी स्मार्टफोन परचेज करने का। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि भाई आपने वीडियो देखा है वो कुछ वर्थ रखता है, हमने जो मेहनत की है वो कुछ वर्थ रखती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तो और वीडियो को लाइक भी कर देना, और तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो इस सेल वाली सीज़न के दौरान नए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।